बस क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमेशा खुश होकर साथ रखे। आमीन सुमीन। तो वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चिकन बॉल, पोटैटो चीज़ बॉल बना रही हूँ। ठीक है जी, ये मैंने आलू लिए, आलू उबाल लिए, ये सब्ज़ मिर्ची ली है, ये हरा धनिया लिया और ये सब्ज़ प्याज लिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। ठीक है जी, और साथ इसके मैं डालूँगी काली मिर्ची। ये मैंने चीज़ के छोटे छोटे पीस बना लिए। आज मैं बनाऊँगी पोटैटो चीज़ बॉल। ठीक है, ये आप ज़रूर देखिएगा। ये मैं इसको मैश कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह मैं इसको मैश करती जाऊंगी। तो व्यूअर्स, ये इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने नमक डाल दिया। ये मैंने सब्ज मिर्चें, ये पहले मैं काली मिर्चें डाल लूँ। ये मैंने हरा धनिया, आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल लीजिएगा, कम डालना चाहते हैं तो कम डालिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने हरा प्याज लिया। ठीक है, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। अगर आप चाहते हैं तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश डालती हूँ, ज़्यादा खूब मज़े का लगता है। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। तो वीवर्स, अब मैं ये थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हाथों पे और इसको मैं यूं करके थोड़ा सा पकड़ूंगी। इसका मैं पेड़ा सा पहले बनाऊँ, पहले मैं इसको कबाब की तरह बनाऊंगी, जैसे कबाब बनते हैं इस तरह बना के, और ये मैं एक पीस जो है इसके अंदर रख दूँगी। ठीक है, ये बच्चों की पसंदीदा डिश है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये देखें, उधर से मैंने चूल्हे पे आग जलाई हुई है, ऑयल भी गर्म हो रहा है। ये देखिए, ये शेप बन गई। अब मैं इसको इसमें डिप करूँगी। ठीक है, अंडे में डिप करने के बाद ये मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं, ये ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करूँगी। ठीक है, अब मैं इसको इधर रखती जाऊँगी, फिर बारी बारी बनाती जाऊँगी। ठीक, मैंने रेडी कर लिया, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए, बस इसको आराम आराम से आपने डालना है ताकि छींटे ना आप लोगों के ऊपर पड़ जाए ऑयल की। ये देखिए, क्योंकि इसमें हमारा वो भी पका हुआ है, आलू भी बने हुए हैं और वो जो चीज़ है वो भी तकरीबन मेल्ट हो जाएगी इसमें गरम गरम होने में। बस आपने इसको ऐसे ऐसे करना है और यूँ आराम से हिलाना है। ठीक है जी, ये इसको आराम आराम से आपने ऐसे ऐसे हिलाना तो ये बनते जाएंगे। ठीक है जी, जब ये गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इसको उतार लेंगे। ये लाइट ब्राउन हो रही, ये देखिए, ये लाइट ब्राउन हो रही, जैसे ये पक जाएंगे फिर मैं इसे निकाल दूंगी। ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बच्चे बड़े सब बड़े शौक से लेते हैं। ये आप ज़रूर लीजिए, ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए, ये तैयार हो गई। ये देखिए, था हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बनाया चीज़ पोटैटो बनाए हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को भी ज़रूर दिखे खिलाइएगा और अपना मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी चीज़ पोटैटो। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह निगहबान।